has two to three questions. First of all, hi, welcome to Entertainment Tarka. थोड़ी सी छोटी सी टाइम के बाद फैंस आपको देखेंगे. There is something more about your character from Sansa. ये आप लोग भी रिकॉर्ड कर लो. मैं फरीदा निभारी हूँ. मैं लखनऊ से हूँ. मेरे पति he is into setting up of pad labs and he is very ambitious. So of course उनकी ambition को मैं true करना चाहती हूँ. So I'm always there to support him and of course he always wants me around so that we look like a complete happy couple to just get more attention, get all the work. Just according to you, happy couple की क्या definition होंगे? I think सबके लिए अलग अलग होती है. मेरे लिए बहुत simple फंडा है. Made you take up the show? The reason that made me take up this show was of course the Colors plays a huge part on it because I've had one of my favorite shows on Colors, Madhubala. And secondly, of course, the character was different. The character was something that I've not played before. Talking about Madhubala, congratulations. Kal hi show ne 6 saal bhi kiye the. And lastly, a message. And she's chemistry with Abhinav is mind blowing. Yes. It's you have so much fun. I don't know, we're a husband wife, so that's like you asked na, husband wife relationship kaisa hota hai, to bas waisa hi hai jaisa hona chahiye. Ek bar saath mein fans ke please watch silsila. Bolo. Guys, please watch Silsila from 4th June, Monday to Friday, 10 p.m. on Colors. No, good, thank you. Come. दत्ता जी है भाई, चले जाओ मैं ध्यान हाँ तो काम कर रहा हूँ. वाइट कौन मार रहा है? हाँ उसे उस वाइट मत मारो यार. तुम मतलब वाइट कम मार रहे हो पीछे उनका साथ में क्या अदिति इधर हो गया. सुनो अभी सेकंड कैमरा सेंटर में एक स्पीड में हाँ चारों का बुलो पहले बुलो लेना चाहिए बता. हाँ हाँ तो उसमें वाओ नाइस. यस यहाँ यहाँ से स्टार्ट करना है फोटो यहाँ तक नहीं वो उनका हो गया थोड़ा स्लो. यू क्या टाइम था? स्ट्रेट यस के चीन चीन में डाउन इधर देखिए आप तो सर आ रही हो. ओके 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 तो चार दिन जगह ना रुकेंगे. हां कार्डियो तुगन में देखा करो करप हो जाएगा रिकॉर्ड होता है. हां बिल्कुल चालू किया सेंटर 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 ये तो सर फोटो फोटो यहां से सर पहले इन दोनों का होने दो फिर चारों का साथ क्या हुआ सेंटर ना बता जान आर्टर सेंटर ना तो बता या लाल तोरा बता दे दो निश्चय या या स्क्रीन में बहुत फुल बड़ा एक्सक्यूज मी स्क्रीन में एक मिनट सर का सोलो हेलो थैंक यू. ये कह रहा है तोरा पीछे है ना
ಹೇಳಿ ಆಮಾರ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಮ ಸಾಮಿಯ ಸರ್ ಎಕ್ಮ ಸಾಮಿಯ ಸಾಮಿ ಪೈಸೆ ಲೇ ಲೇ ನಾನು ಯಾರ್ ಮೇರಾ ಕಾರ್ಡ್ ಲೇ ಲೇ ತು ಮೇರಾ ಕಾರ್ಡ್ ಲೇ ಲೇ ತು ಯೋ ಯೋ ಓಕೆ ದಕ್ಕ ದಿರಿ ತು ಮತ್ತೆ ನೀ ಫಿರ್ ಸೆ ಕರಾಂತಾ ಸೆಂಟರ್ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿಸ್ಕಾ ಕಲ್ ಕಲ್ ಬಾರೇ ಮೇ ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾ ಇಕ್ಕ ಕೋಡ ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾ ಭಾಯ್ ಆಪೆ ಗೋತಾ ಆಗ್ತದೆ ರೆಡಿ ಯಾ ಶಕ್ತಿ एक तो पहली बात जो शो है वो थोड़ा नए ज़माने के जो रिश्ते हैं उस पर है जो आजकल हो रहा है लाइफ में ऊपर से यू नो कलर्स इज़ अ गुड चैनल टू वर्क ऑन एंड प्रोडक्शन भी अच्छा है स्फीयर तो जब उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में बताया so I was kicked about it and then they told me that there's a lot to perform in this character so I said if that is the case agar main is character mein khud apni inputs bhi de sakta hu then you know I would love to be a part of it and things worked out so I'm excited now yes so Rajdeep I'm playing Rajdeep and Rajdeep is from a small town but uske jo sapne hain wo bahut bade hain usko bahut बड़ा बनना है बहुत जल्दी बनना है और जो उसकी वाइफ है वो उसको कभी कभी यूज़ भी करता है उसके लिए एंड ही इज़ अ कंट्रोल फ्रीक वो चाहता है कि वो जैसे वो चाहता है वैसे ही उसकी वाइफ रहे तो यू नो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ड्रामा व्हेन ऐसा कैरेक्टर हो सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग इट बहुत बढ़िया इनफैक्ट मैं अभी बता रहा था कि शक्ति इज़ अ ब्रिलियंट गाय इज़ अ गुड लिसनर इज़ ऑलमोस्ट अ फ्रेंड नाउ और दृष्टि को तो मैं पहले से जानता हूँ वी हैड डन वी हैव शॉट सो मेनी एपिसोड्स टुगेदर एंड अदिति इज़ वंडरफुल एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड आई एम ग्रेट फैन ऑफ अ फिल्म अंग्रेज विच इज़ अ पंजाबी फिल्म सो गुड टू सी हर टू सी मैं एक्साइट तब हुआ जब मुझे बोला गया कि शो में इस कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए यू नो तुम अपनी इनपुट्स भी देना एंड हमने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा है और राजदीप ही है जो ड्रामा क्रिएट कर रहा है सो दैट वाज गुड पार्ट फैंस को कहना चाहूँगा अपनी फीडबैक ज़रूर देना और दैट्स इट वॉच आवर शो जी हमारा जो ये शो है सिलसिला बदलते रिश्तों का 10 PM कलर्स पे मंडे से शुरू हो रहा है एंड जो ये शो है बेसिकली रिलेशनशिप्स के बारे में है और आई वुड लाइक टू से कि ये मॉडर्न टाइम का शो है आज के टाइम पे जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही काम पर जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर या स्पेशली जो वाइफ होती है या जो पार्टनर है वो एक दूसरे पर फिनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के साथ हैं क्योंकि वो साथ रहना चाहते हैं और जैसा कि आज के सिनेरियो में होता है दैट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग और ऐसे टाइम में जैसे आज के टाइम में इशूज़ होते हैं लोगों को न्यू एज इशूज़ आई वुड से या न्यू एज रिलेशनशिप चैलेंजेस जो होते हैं वही हमारे शो में दिखाए जा रहे हैं और कैसे हर किसी के रिलेशनशिप का फाउंडेशन अलग होता है बुनियाद अलग होता है मॉली माय कैरेक्टर इन द शो इज़ कॉल्ड मॉली शी इज़ अ डॉक्टर बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर है बहुत अच्छी पत्नी है और कुणाल से जो शक्ति प्ले कर रहे हैं उसे बहुत प्यार करती है वो भी एक डॉक्टर हैं पहले ये दोस्त थे फिर इन्हें प्यार हुआ इन्होंने शादी करी और बहुत अब इनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं बहुत खुश हैं अपने रिलेशनशिप में
और एक दूसरे को प्रोफेशनली भी बहुत सपोर्ट करते हैं. सो आई थिंक ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं जो हमसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे. एट द सेम टाइम उनकी ज़िंदगी में हाई एंड लोज आते हैं और उन हाई एंड लोज से उनकी रिलेशनशिप पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उनका रिलेशनशिप बेटर होता है या क्या उनका रिलेशनशिप टूट जाता है या स्ट्रॉन्ग होता है. सो दिस इज़ व्हाट द शो इज़ अबाउट. जी मैं बहुत खुश हूँ. मैं इनफैक्ट जब मैं छोटी थी माय डैड इज़ अ डॉक्टर तो मैं उनका कोट पहन के उस तैसो लगा के आई हैव पिक्चर्स आल्सो ऑफ मेरे बचपन के जो हैव गॉट देम क्लिक्ड एंड आई ऑलवेज थॉट टिल माय क्लास 10th कि मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी. बट व्हेन आई सॉ माय सिस्टर स्टडिंग उसकी इतनी मोटी मोटी बुक्स होती थी जिसमें कुछ पिक्चर्स होती थी जिसको देख के मुझे घबराहट होती थी, देन आई डिसाइडेड नो आई कांट डू दिस, आई कांट सी पीपल इन पेन मुझे लगता था. तो आई थिंक तभी मैं अच्छा हुआ डॉक्टर नहीं बनी. बट आई थिंक दिस इज़ वन प्रोफेशन आई रियली रिस्पेक्ट एंड आई थिंक दे आर द पीपल हु डील विद लाइफ एंड डेथ. हम कितना आई थिंक दैट समथिंग जब हम डॉक्टर्स इस ऐसी प्रोफेशन है कि जब हम उनके पास जाते हैं ना हम नहीं सोचते कि वो कौन से रिलीजन के हैं और कौन से कास्ट के. सो आई थिंक बिकॉज दे आर जब आप when somebody is not well or somebody is in the hospital the doctor is a god for them. So जी मैं कहूँगी कि ये बहुत ही relatable किरदार है. So I somehow do relate to Molly. आज की लड़की है जो सब कुछ perfect करना चाहती है, at the same time उसमें काफ़ी सारे shades हैं. तैयारी के हिसाब से तो आई एम जस्ट फॉलोइंग what the writer गजरा मैम इज़ राइटिंग एंड what our director आर डायरेक्टर रवि सर हु इज़ डायरेक्टिंग अस, तो मैं उनको ही फॉलो कर रही हूँ. सो एक्चुअली हमारी रोज़ शूटिंग हो रही है ना हम लोग का बहुत सारा ना मतलब हमारा मंडे टेलीकास्ट भी कंप्लीट नहीं है. सो इट्स लाइक वी आर रनिंग बिहाइंड द टाइम. सो आई थिंक मोर देन एनी फीलिंग अब बस यही है कि मतलब टेलीकास्ट अच्छे से हम पूरा करें एंड लोग हमारे शुरू के एपिसोड्स देखें और उसे ग्लूड अप हो जाएँ, उन्हें बहुत अच्छा लगे. सो बस यही एम है एंड डेफिनेटली वी आर आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द शो. जी बहुत अच्छा रहा और हमने शुरुआत की थी गोवा से जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था हमारे प्रोड्यूसर्स का और चैनल का कि इनको गोवा ले जाते हैं शुरू में ही. एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड हमने बहुत ओवर टाइम भी शूट किया पर उसके बीच में भी वी ऑल कनेक्टेड सो वेल फोर ऑफ अस एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव सच अ नाइस टीम टू वर्क विथ बिकॉज आई थिंक टेलीविजन में बिकॉज यू हैव टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. So it's really important that you really gel well and it shows on camera if you don't. So yeah, I'm really excited about it. सबको ये बोलना चाहूँगी कि 4 जून से मंडे से 10 PM स्लॉट पे कलर्स पे हमारा शो आ रहा है सिलसिला बदलते रिश्तों का जो कि एक रिलेशनशिप ड्रामा है. सो आप प्लीज़ उसे देखें. हमने बहुत कोशिश की है कि हम उसे जितना रियलिस्टिक हो सके जितना रिलेटेबल हो सके हमने वैसे शूट करने की कोशिश भी की है एंड आई होप यू विल लाइक इट. आप शुरू के कुछ एपिसोड्स हम सबके कहने पर ज़रूर देखें, बाद में यू विल डेफिनेटली गेट ग्लूड टू इट. थैंक यू थैंक यू. ये थोड़ा अलग है कैरेक्टर जिससे जब मैंने पहले शूट किया उससे काफ़ी अलग है. ये दिखती कुछ है और होता कुछ और है. लाइक शी लुक्स लाइक दिस पॉइस वेरी वेल ड्रेस्ड एंड वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग बट वेरी कॉन्फिडेंट वेरी बोल्ड. बट जब रियलिटी आती है तो आपको पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा सबमिसिव है. एंड कैसी इसकी जर्नी रहती है जब भी अपनी दोस्त को मिलती है बहुत सालों बाद तो क्या होता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं एक रिलेशनशिप्स में. एक रिलेशनशिप में थोड़े साल जब शादी के चले जाते हैं उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं इन रिलेशनशिप, वो आपको देखने मिलेगा. आई थिंक अभी तो हार्डली हम लोग गोवा में थे 7 दिन के लिए तो ऑफकोर्स हमने शूट किया था तो काफ़ी मज़ा आई हम लोगों को. आपका हेड उनको कैमरा को कवर करो. आई थिंक इट वॉज ग्रेट. इट्स अ लॉट ऑफ फन बिकॉज एज ऑफ नाउ वी आर ऑल गेटिंग अलॉन्ग रियली रियली वेल एंड सब बहुत नॉर्मल है, बहुत ग्राउंडेड है, किसी का बहुत इशूज़ नहीं है. सो आई थिंक वी आर ऑल शूटिंग लाइक फ्रेंड्स एंड बडीज एंड इट्स नाइस टू हैव अ क्रू विथ द सेम काइंड ऑफ माइंड सेट. एनी फन
मैंने आपको वही तो बताया अभी मेरे कैरेक्टर के बारे में। कितना मुश्किल होता है कैरेक्टर के लिए एक किरदार को छोड़ के दूसरे किरदार को ऑफ कोर्स डिफिकल्ट ज़रूर होता है, आपने सही बोला, काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट आई थिंक अ लॉट इज़ इन द डायरेक्टर्स हैंड। बिकॉज क्या होता है दैट इनिशियली एक डायरेक्टर ही होता है जो आपको करेक्ट करता है कैसे आप डिफरेंट प्ले कर सकते हो, कैसे आप ये लाइन अलग से बोल सकते हो ताकि आप मधुबाला या गीत या गायत्री या नैना ना दिखो। तो बस एक डायरेक्टर की यही कोशिश होती है दैट ही ट्राइज टू डू समथिंग न्यू एंड आई टोटली जस्ट फॉलो व्हाट ही आस्क मी टू डू एंड आई विल ट्राई टू मेक अ डिफरेंस। एंड ऑफ कोर्स आपके लुक्स आपके कपड़े दैट आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज जब आप टीवी पे किसी को देखते हैं तो आप एक ही लुक में उनको ऑलमोस्ट 2 साल के लिए देखते हैं। सो टू चेंज एंड डू समथिंग न्यू इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑन टीवी बिकॉज आप कितने लुक्स करेंगे एवरीडे बेसिस पे एंड देन इट बिकम्स लाइक अ एवरीडे थिंग। सो यू कैन बी स्पेंडिंग 2 आवर्स ऑन गेटिंग रेडी बिकॉज इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। सो ऑफकोर्स वी ट्राई टू डू मिनिमिस्टिकली मिनिमम टाइम में हम कितना नया और कितना अलग दिख सके। सो ऑफकोर्स इट्स अगेन नॉट रिवीलिंग द कॉन्सेप्ट बिकॉज आई थिंक आई वुड वॉन्ट एवरी वन टू वॉच इट टू बिलीव वॉट इट इज एंड ऑफकोर्स मोर देन एनीथिंग एल्स मुझे हेजिटेशन ये था दैट देर आर सो मेनी पीपल ऑन द सेम शो सो आई वॉज ऑलवेज लाइक कैसे होगा हाउ विल दे जस्टिफाई एवरी कैरेक्टर बट आई थिंक द वे इट इज़ बींग सेट इन द वे दे आर पुटिंग इट अक्रॉस आई थिंक इट्स अमेजिंग। आई मीन कोई ना नहीं बोल पाता। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस आई जस्ट सेड शो की बात किया जाए तो ये शो में ऐसी कौन सी अच्छी बात है जो आपने एक्सेप्ट किया ये शो पर। आई थिंक फर्स्ट ही मेरा लुक काफ़ी अलग है तो आई थिंक आप जब वही लुक में काम करते हैं तो आपको कुछ नया करना है कुछ अलग करना है एंड जिस तरह से आप दिखते हो इमीडिएटली आपका एक्टिंग भी थोड़ा अलग हो जाता है बिकॉज सो द कॉन्ट्रास्ट इन दिस शो इज़ दैट आई एम ड्रेस्ड इन अ सर्टन मैनर बट आई एम इन पर्सन अ वेरी डिफरेंट पर्सन एज नंदिनी इज़ वेरी जैसे मैंने बताया बहुत शांत बहुत कमज़ोर नहीं कह सकते बहुत सहमी Whereas she doesn't dress up like that. So that is the difference. So fans काफी समय बाद आपको TV पे नजर आएंगे। Like आप क्या कहना चाहोगे? I think इनका प्यार ही है जो आज तक इनका प्यार ही है जिसकी वजह से आज तक मैं वापस कमबैक्स करती ही आ रही हूँ एंड थैंक यू सो मच। ये शो के लिए ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड थी लेकिन जब मैंने पोस्ट डाले या कलर्स ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले एंड जो रिस्पांस मुझे देखने मिला आप सबसे आई थिंक उसकी वजह से मैं और एक्साइटेड हो गई हूँ एंड आई रियली कांट वेट टू सी योर रिएक्शन वंस नंदिनी कम्स ऑन एयर। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। ये कम बैक कर रहा हूँ या आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक्चुअली मैं बहुत ज़माने से कुछ ना कुछ अच्छा करना चाह रहा था टेलीविजन पर लेकिन मुझे कुछ सब्सटेंशियल नहीं मिल रहा था। फाइनली मुझे एक ऐसी स्टोरी सुनने को मिली जिससे सुनते ही आई वॉज सो किक्ड अबाउट इट एंड मुझे लगा कि ये शो है जो मुझे करना है। एंड देन गजरा कोटारी जी हु इज़ द राइटर ऑफ द शो शी टोल्ड मी टू गिव अ लुक टेस्ट फॉर इट और फिर आई गेव माई बेस्ट शॉट बिकॉज आई वॉन्टेड द शो वेरी बैडली बिकॉज आई लव द शो नॉट बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू डू द शो तो फिर आई केम ऑन बोर्ड। और किरदार के बारे में अगर मैं कहूँ तो आई एम प्लेइंग अ डॉक्टर इन द शो। ही इज़ अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट टू बी मोर प्रिसाइज इज़ अ पीडियाट्रिशियन और उसकी जो वाइफ है वो गायनेकोलॉजिस्ट है तो वी बोथ आर डॉक्टर्स। कुणाल मौली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ही इज़ वेरी रोमांटिक एट हार्ट। थोड़ा सा लेट बैक टाइप का है। कुछ कुछ चीज़ों में यू नो आराम से करना है हाँ चलना कर लेंगे टाइप्स। लेकिन उसकी जो बीवी है उसको वो हमेशा मोटिवेट करती है हमेशा चाहती है कि वो गो गेटर टाइप का इंसान बने तो हर चीज़ में पुश सपोर्ट करती है। सो काइंड ऑफ मॉली इज़ अ बैकबोन फॉर हर। एंड और क्या और पूछो कुछ यार मैंने तो कोई तैयार नहीं की। मैं डॉक्टर्स के ख़ानदान से मैं हूँ। मेरी मॉम डॉक्टर है शी इज़ अ पैथोलॉजिस्ट। माई सिस्टर इज़ होम्योपैथ। माई मदर सिस्टर इज़ अ फार्मासिस्ट। सो वी हैव अ होल बंच ऑफ डॉक्टर्स इन द फैमिली। माई मॉम ऑलवेज वॉन्टेड मी कि मैं एक डॉक्टर बनूँ
मैंने कहा मैं डॉक्टर तो नहीं, मैं एक्टर बन सकता हूँ, लास्ट का टर्क हूँ मैंने बस. सो यस, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सब बहुत ग्राउंडेड है और किसी में ईगो हैसल्स नहीं है. मोस्टली लोगों में स्टारिज्म टैंट्रम्स वगैरह होते हैं. ये इतने पॉपुलर एक्टर्स हैं, इतने सीनियर एक्टर्स हैं सारे. दृष्टि हैज़ डन सो मेनी शोज़, अभिनव हैज़ डन सो मेनी शोज़, अदिति हैज़ डन सो मेनी फिल्म्स, पंजाबी, हिंदी एंड एवरीवन. सो दे आर वेरी गुड एक्टर्स. सो आई थिंक इट्स अ गुड कास्ट, गुड स्टार कास्ट, अच्छे एक्टर्स, ऑल पैशनेट पीपल. द प्रोडक्शन हाउस इज़ वेरी पैशनेट, द क्रिएटिव टीम इज़ सो पैशनेट अबाउट द शो. सो आई थिंक ऑल पैशन विल कम टुगेदर एंड विल शाइन आउट लाइक अ लोटस. हाँ, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत चूज़ी हूँ, मुझे पता नहीं था. मैंने मेरी आशिकी किया, उसके बाद आई वॉन्ट टू डू सम अदर शो, बट मुझे मेरी आशिकी के बाद झलक करना था. थैंकफुली मुझे झलक मिल गया, मैंने कर लिया. उसके बाद आई वॉन्ट टू डू सम शो, मैं कुछ साइन अप करने भी वाला था लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुआ. देन आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू गो टू इंडोनेशिया. सो वहाँ पर मैंने फिल्म की, वहीं के लैंग्वेज में, वहाँ पे मैंने रियलिटी शोज़ किए. सो फॉर 8 मंथ्स आई वॉज देयर. सो आफ्टर दैट आई थॉट आई शुड बी बैक टू इंडिया एंड कम बैक ऑन द स्क्रीन, एंड आई वेटेड हियर फॉर 4 मंथ्स टू गेट सम सब्सटैंशियल रोल, एंड देन फाइनली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये शो देखिए, आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है. रिलेशनशिप्स के ऊपर है, आज के जैसे तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं और कैसे रिलेशनशिप को, वर्क को, हर एक चीज़ को मैनेज करना चाहिए. वील टीच यू दैट इन द शो, एंड इट्स एन अमेजिंग स्टार कास्ट. सो प्लीज़ वॉच इट, ओनली ऑन कलर्स, मंडे टू फ्राइडे 10 PM. लव यू गाइस. थैंक यू.